हाय फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल एस एस एनालिसिस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने निफ्टी में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि पिछले सप्ताह हमने एक भारी गिरावट देखी पिछले शुक्रवार को, जिससे ये जरूरी हो जाता है कि फिर से एक बार भारतीय निवेशकों को सचेत किया जाए, ताकि वो अपने निवेशित पैसे का ठीक तरह से कर सकें उसकी देखभाल। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें कुछ तथ्यों से अवगत कराया जाए। बाजार के उतार चढ़ाव इतने शार्प थे कि उनसे बच पाना बहुत मुश्किल था। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये मेरे वीडियो होते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को टिप्स देना नहीं है। आइए मिलकर चर्चा करें कि पिछले हफ्ते क्या हुआ जिसका हमें अंदेशा था, और मैं पिछले अपने वीडियोस में लगातार ये चेतावनी देता रहा हूं कि कृपया अपनी पोजीशंस को एक सीमित दायरे में रखें। आपको याद होगा कि मैंने 3 सितंबर को अपना पहला निफ्टी पर जो वीडियो दिया था, निफ्टी खतरे की ओर बढ़ते कदम, तो कई लोगों ने उसे डिसलाइक भी किया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि मार्केट जब बढ़ रहा होता है कि मैं मार्केट में गिरने के अंदेशा होने की कोई बात करूं। सब लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं कहूं नहीं मार्केट 13,000 नहीं 15,000 जाएगा, 16,000 जाएगा। कई मेरे सब्सक्राइबर्स के फोन्स आए, कुछ कमेंट्स भी आए कि नहीं सर, आप तो कह रहे हैं निफ्टी गिरेगा, निफ्टी तो अभी, और दूसरे यूट्यूब वीडियो कह रहे हैं कि निफ्टी 15,000 जाएगा, 14,000 जाएगा, निफ्टी कहाँ है बियरिश? आप तो हर बार कहते हैं कि नहीं, निफ्टी बियरिश किसी भी समय बियरिश हो सकता है। परंतु आप मेरे चार्ट्स को, पिछले वीडियोस को देख अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि 3 सितंबर को मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें साफ जहां इंडिकेट किया था कि ये एक पॉइंट है जहाँ, जो कि हमें दर्शाता है कि हम ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी इस समय। आप अगर विश्वास नहीं होता तो उन वीडियोस को कृपया दोबारा देखें, तो आपको एहसास होगा कि मैंने कितने एडवांस में आप लोगों को सूचित किया था कि हम एक खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर मैंने अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले शायद बुधवार को, फिर से अपना एक निफ्टी पर वीडियो दिया था। निफ्टी से नहीं, मुझे बैंक निफ्टी से लगता है डर, जिसका शीर्षक मेरे अधिकतर सब्सक्राइबर्स को याद होगा। मुझे अंदेशा था कि बैंकों के बढ़ते हुए NPAs इसका मुख्य कारण बन सकते हैं किसी समय, जिसका रिजल्ट हो सकता है निफ्टी में एक भारी गिरावट। तो आइए इन सब बातों पर चर्चा तो चलती ही रहेगी। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन शेयर बाजार जब फ्राइडे को गिरे तो एक पैनिक सेलिंग थी हाउसिंग फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी स्टॉक्स में, जो की इंडेक्सेस हैं हमारे, कंपोनेंट्स हैं निफ्टी के, वो 3% तक इंट्राडे में लुढ़क गए थे। NSE जो कि 0.81% लुढ़क कर 11,143 पर बंद हुआ, BSE 0.75% लुढ़क कर 36,841 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट देखी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने, DHFL ने, जो कि एक समय 55% तक नीचे चला गया था दोस्तों, 42.6% नीचे बंद होने से पहले। अब इंडिया के मार्केट रेगुलेटर्स ने फ्राइडे को कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों के, यानी FIIs के लिए कुछ रूल्स में थोड़ी नरमी दिखाई है, उन्हें कुछ छूट दी है नॉन रेजिडेंस इंडियंस को, ताकि बाजार में भरोसा लौटे। और IFNS जिसने की दीवान हाउसिंग के कुछ बॉन्ड बेच, भारी संख्या में काफी बॉन्ड्स बेचे थे, जिससे कि दीवान हाउसिंग का शेयर भी तकरीबन 51% यानी 55% तक टूटा था, पर 51% नीचे बंद हुआ। इससे क्या होता है, अंततः निवेशकों का भरोसा बाजार से उठता है। हर व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई बाजार में लगाता है सिर्फ एक उम्मीद पर कि उसे प्रॉपर अपनी पूंजी का थोड़ा सा फायदा मिले, उसको कुछ बढ़त मिले। परंतु अचानक से ऐसे आई तेज गिरावट उसका अपना पैसा बाहर ले जाती हैं। इसलिए दोस्तों जरूरत है बहुत ज्यादा सतर्क रहने की। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि आज की डेट में जो चिंताएं हैं उनकी क्या पोजीशन है। सबसे पहली चिंता है हमारी टैरिफ ट्रेड वार की। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि चाइना पहले एग्री हो गया था कि वो अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा, टैरिफ ट्रेड वार को खत्म करने की कोशिश करेंगे दोनों विश्व के बड़े देश चाइना और अमेरिका। परंतु अब चाइना ने वो जो आने वाली ट्रेड टॉक्स थी उनको कैंसिल कर दिया है,
यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो चाइना को इस मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगा, यानी ट्रैवल ट्रेड वार जारी रहेगी, चाहे उसको अमेरिकन इकोनॉमी को कुछ भी झेलना पड़े लॉन्ग टर्म में, परंतु उनका उद्देश्य अमेरिकन अर्थव्यवस्था को के इंटरेस्ट को बचाना ही है। पिछले हफ्ते चाइना ने $60 बिलियन का यूएस प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैरिफ लगाया है। उसके जवाब में जो यूएस ने ड्यूटी लगाई थी $200 बिलियन की चाइनीज गुड्स पर और जो इस 24 सितंबर से लागू होने जा रही हैं, इन सब बातों का इफेक्ट काफी तेज रहेगा बाजार के उतार चढ़ाव पर। विश्व के सभी अन्य बाजार भी इस उथल पुथल से बच नहीं सकते जो कि हम सोच रहे थे कि टैरिफ ट्रेड वार कम होगी, परंतु मुझे नहीं लगता कि हम भविष्य में इसको कम होता हुआ देखें। आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय रुपए का डॉलर के मुकाबले इस समय क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि 21 तारीख को भारतीय रुपया बहुत तेजी से फिसला और इन स्तरों तक यानी 72.40 रुपए के ऊपर कई बार उसने जाने की कोशिश की और अभी भी एक बड़ी कमजोर स्थिति में है। और मेरा मानना है कि रुपया यहाँ से और अधिक फिसल सकता है क्योंकि यहाँ 200 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट है जिससे और नीचे फिसलेगा रुपया, जो बाजार के लिए एक नेगेटिव खबर रहती है हमेशा रुपए का फिसलना। आइए देखते हैं कि FIIs और DIIs ने सितंबर के महीने में क्या उनकी गतिविधियां रहीं। तो आप देख सकते हैं कि 21 सितंबर को जब मार्केट गिरा है तो FIIs ने 760 करोड़ रुपए की बाइंग की है और DIIs ने भी म्यूचुअल फंड्स ने भी 497 करोड़ रुपए की बाइंग की है। पर उससे पहले कि आप आंकड़ा देखें तो FIIs लगातार पिछले तीन ट्रेडिंग सत्र में लगातार बिकवाली कर रहे थे, दे वर नॉट नेट सेलर्स। 19 सितंबर को उन्होंने 2184 करोड़ रुपए की सेलिंग की, 18 सितंबर को 1143 करोड़ रुपए की सेलिंग की, 17 सितंबर को 106 करोड़ की सेलिंग की है। उससे पहले भी सिर्फ एक दिन यहाँ छोड़े तो उससे पहले भी वो कई ट्रेडिंग सत्रों में तीन चार ट्रेडिंग सत्रों में नेट सेलर ही रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग तो की है परंतु बहुत ही जिसे मैं कहूँगा नॉमिनल बाइंग है उनकी, यहाँ पर वो नेट 180 करोड़ के सेलर हैं या 264 करोड़ के बायर हैं या 1200 करोड़ रुपए की बाइंग की है। अंततः उन्होंने 21 सितंबर को 497 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो दोस्तों अब तक जो है अगर इस फिगर का टोटल करें सितंबर के महीने का तो 3 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक FIIs ने -5,755 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और DIIs ने 4,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों में FIIs और DIIs का क्या सेलिंग और बाइंग का क्या रुख रहा। तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले जुलाई से लेकर अगस्त तक FIIs नेट सेलर रहे हैं काफी बड़े पैमाने पर और आप ये देखें कि पहले दिसंबर तक यहाँ उन्होंने काफी सेलिंग की है, फिर लगातार अप्रैल से लेकर अगस्त तक भी वो लगातार इतने ज्यादा मात्रा में नेट सेलर रहे हैं। DIIs ने थोड़ा सहारा दिया है बाजार को उस टाइम पर, परंतु कुल मिलाकर जो हमारी बाजारों से स्मार्ट मनी बाहर जाता रहा है। और अब आइए चर्चा करते हैं बाजारों के टेक्निकल्स पर। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको 3 सितंबर के वीडियो में, ये मैंने जो बाजार का ऊपर की ओर जो चाल थी उसको मैंने इस येलो बॉक्स में उसको दर्शाया था और डाउन ट्रेंड को की चाल को मैंने इस येलो बॉक्स में बांधने की कोशिश की है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने 3 सितंबर को अपना पहला वीडियो जारी किया था निफ्टी खतरे की ओर बढ़ते कदम, तो बाजार यहाँ पर था और वहां से बाजार ने गिरना शुरू किया और गिरावट काफी तेज थी उस 3 सितंबर वाले हफ्ते में। बाजार इन स्तरों तक आया, कुछ बाइंग तो हुई परंतु यहाँ उसे फिर दोबारा से रेजिस्टेंस मिला और बाजार फिर तेजी से लुढ़का, परंतु यहाँ पे कुछ उम्मीदें हुई थी कि टैरिफ ट्रेड वार खत्म होगा तो बाजार में कुछ बाइंग देखने को मिली और उस दिन गैप अप देखने को मिला, परंतु ये गैप अप सब एक मैं तो कहूंगा एक शॉर्ट कवरिंग ही थी, ये कोई सॉलिड बाइंग नहीं थी जो बाजार को ऊपर लेके जाती। और अंततः बाजार फिर से निफ्टी ने लुढ़कना शुरू किया और अंततः
वो यहाँ तक आया इस सपोर्ट तक, ये जो मैंने सपोर्ट मार्क की है, ये निफ्टी का एक डेली चार्ट है। आप ये देखें कि यहाँ सपोर्ट तो थी और बाजार फिर यहाँ गया ऊपर, और गिरने से एक दिन पहले वो थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में भी उसने ट्रेड किया, परंतु जब शुक्रवार को बाजार खुलता है तो ऊपर की ओर भी गया तो सही, परंतु बहुत तेज गिरावट थी दोस्तों, बहुत तेज, जो कि बाजार को यहाँ तक लेके आई है, बाजार को इस जिसे मैं क्रैश जोन कहता हूँ, ये तो है मेरी बेयरिश जोन जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, परंतु यहाँ जाते ही इस स्तर को टच किया है बाजार ने, निफ्टी इंडेक्सेस ने, और यहाँ जाते ही बाइंग शुरू हुई है जो FIs और DIs ने की है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वो भी सिर्फ यहाँ तक इन स्तरों तक बाजार लौटा, और अभी इन स्तरों पर यहाँ पर 11,143 पर बाजार पहुंच तो गया है, परंतु बाजार अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। और जैसा कि मेरा मानना है कि ये जो वापसी है, ये वो वापसी भी हो सकती है, ये शॉर्ट कवरिंग में है, तो इसे कहूंगा कि ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, जो कि जो लोग बाजार में यहाँ से बिकवाली कर रहे थे या इन स्तरों से लगातार बिकवाली कर रहे थे, फिर तो उनकी यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। हो सकता है कुछ काफी भारी शॉर्ट कवर्स हुए हो, जिसकी वजह से बाजार तकरीबन आधा रिकवर कर गया, परंतु मैं इसको विश्वास के लायक नहीं मानता। हाँ, यदि बाजार इस जोन के अंदर टिक जाता तो ये गिरावट और कहीं भयावह हो सकती थी, परंतु अभी भी मैं कहूंगा खतरा टला नहीं है दोस्तों, सावधान रहें। किसी भी ऊपर की चाल को जब तक की बाजार इन स्तरों पर पहले तो उसको टिकना होगा, इसके ऊपर आकर, इस लेवल के ऊपर आकर, यानी 11,238 के ऊपर पहला, मैं तो कहूंगा कि यदि वो टिक पाता है तो ही आप निवेशित रहने की सोचें या नई पोजीशन क्रिएट करने की सोचें, क्योंकि यहाँ पर भी यदि वो इस डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर जब भी जाएगा तो यहाँ सेलिंग देखने को मिलेगी, भारी मात्रा में फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, और इस जोन के ऊपर जाने पर उसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, तो इसलिए कृपया सावधान रहें, अपनी पोजीशंस को काफी सीमित दायरे में रखें। मेरा मानना है कि यदि बाजार सोमवार को एक गैप डाउन भी खुल सकते हैं, यदि वो गैप डाउन खुलते हैं, हो सकता है कुछ शॉर्ट्स कवर हो और लगे कि बाजार ऊपर जा रहा है, पर इन स्तरों पर वापस हमें एक कड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को, और जो एक सपोर्ट था पहले निफ्टी का, अब वही निफ्टी को दोबारा से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी बाजार को डेफिनेटली, और बाजार फिर से नीचे की ओर आएगा। हो सकता है कि वो निफ्टी इन दो इन लेवल्स के बीच में, यानी जहाँ वो बंद हुआ है और ये सपोर्ट लेवल पहला, जहाँ यहाँ हो सकता है कुछ कंसोलिडेट कर जाए, परंतु उस पर हमें बहुत ही कड़ी निगरानी रखनी होगी। आइए इसको, इस चार्ट को एक 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं। तो 4 घंटे के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी बाजार इस डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर गया है, तो जैसे यहाँ गया तो यहाँ पे फिर से फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए और काफी सेलिंग प्रेशर रहा निफ्टी पर, और निफ्टी नीचे की आया। ये जो जोन है यहाँ पर जिसे उसे एंटर नहीं करना चाहिए था, उसे एंट्री की तो वहाँ बाइंग मिली, उसे बाइंग सपोर्ट मिला, और वो इसके ऊपर सपोर्ट लेकर के फिर वापस ऊपर गया है और इन स्तर पर बंद हुआ, और यहाँ वीकली ओपनिंग पर उसको एक गैप अप ओपनिंग मिली, यहाँ को सस्टेन भी किया बाजार ने, परंतु यहाँ 200 डेज मूविंग एवरेज पर उसको कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि 4 घंटे के चार्ट में हम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और तो सबसे पहला हमें रेजिस्टेंस 200 डेज मूविंग एवरेज से ही मिलेगा, जो कि हमें जब हम ऊपर नीचे से जब भी हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ 200 डेज पर मूविंग एवरेज पर हमें स्टिफ रेजिस्टेंस मिल सकता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बाजार 21 तारीख को जो कि इस जोन में, जो कि एक बड़ी खतरनाक जोन है, अगर बाजार इसमें टिकता है तो काफी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, परंतु यहाँ बायर्स की अच्छी उपस्थिति है, बायर्स नहीं, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ शॉर्ट्स कवर होते हैं अधिकतर, क्योंकि BS को लगता है कि अगर वो यहाँ टिके तो फिर बुल्स उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और बाजार यहाँ अगर इसके ऊपर रहता है तो यहाँ से उसने वो वापसी ली भी
और अच्छी वापसी दी और यहाँ जाकर वो बंद हुआ है, परंतु जो ग्रीन कैंडल के बाद जो ये रेड कैंडल है 4 घंटे के चार्ट में, ये मुझे डाउट में डालता है कि मंडे को बाजार इन स्तरों पर यानी यहाँ पर हो सकता है तकरीबन 11,170 के आसपास, परंतु फिर से वो नीचे आएगा और यदि गैप डाउन खुला तो 11,000 तक हम उसको देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना वीकली चार्ट जो मैं निफ्टी इंडेक्स का बनाया। ये चार्ट मैंने बताया था तकरीबन जुलाई में, जब निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा था तब मैंने यहाँ वार्न किया था कि ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और ये मेरा सेकंड रेजिस्टेंस होगा, यदि इसको भी तोड़ा और इसके ऊपर गया तो यहाँ हमें बहुत अत्यधिक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा निफ्टी में, जो कि मिला और हम 3 सितंबर से लगातार यहाँ पे दोस्तों नीचे आते रहे हैं। हाफ बाजार यहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंच तो गया है वापस, और फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट का भी काम करेगा, हो सकता है कर जाए पर मुझे डाउट है। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सपोर्ट है अगर इस पर नहीं टिका तो फिर एक नीचे की चाल पकड़ेगा, जो कि पहला सपोर्ट उसको यहाँ मिलेगा 200 डेज मूविंग एवरेज पर। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, ध्यान रखें, तो 200 डेज मूविंग एवरेज पर मैं पहला सपोर्ट देखता हूँ अगर नीचे की गिरावट इसी तरह जारी रहती है तो, और दूसरा जो फाइनल सपोर्ट यहाँ मिलेगा उसको वो 9900 के स्तर पर जाकर सपोर्ट बाजार को कुछ ठहराव मिल सकता है। मैं ये वीकली चार्ट मैं निफ्टी के आउटलुक को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा था कि सर हमें निफ्टी के सपोर्ट्स के बारे में भी बताएं, इस गिरावट के टाइम अगर कहीं निफ्टी आप देखते हैं कि जहाँ निफ्टी सपोर्ट दे सकता है उन लेवल्स के बारे में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सकें, और मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ एक लोगों के बीच एक पॉजिटिव नॉलेज प्रोवाइड कराना है बाजार के बारे में ताकि वो अपने निर्णय खुद लें। मैं किसी के लिए हुए निर्णय के प्रति जिम्मेवार नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को ट्रेडिंग टिप्स देता हूँ, ना मैं कोई ट्रेडिंग लेवल्स बता रहा हूँ आपको, तो आप अपने निर्णय के प्रति खुद जिम्मेवार होंगे, तो कृपया अपना निर्णय सोच समझ कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।